दुनिया का सबसे खतरनाक मैजिशियन कौन है, जिसने 30 साल तक मैजिक की दुनिया में रूल किया? डेविड कॉपरफील्ड। 1984 में उनने इतनी खतरनाक मैजिक ट्रिक की जो सुन के आप शॉक हो जाओगे। 16,000 फीट ऊंची ग्रैंड कैनियन ऑफ कोलोराडो, इतनी बड़ी हील है, वहां पे ये आर्ट परफॉर्म हुआ उनका। हेलीकॉप्टर आए थे इस पर्टिकुलर चीज को रिकॉर्ड करने के लिए। लाखों लोग देख के शॉक हो गए, आज तक एक्सप्लेनेशन नहीं है कि वो हुआ कैसे। पहले वो पहाड़ी के चोटी पे जाते हैं, वहाँ पे एक टेबल पे बैठते हैं, ठीक है, देन सडनली वो अर्थ की ग्रेविटी से फ्री हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं, जैसे कि कोई सुपर ह्यूमन। देन वो किसी चीज से जुड़े नहीं है, ये चीज प्रूव करता है वो रिंग्स के बीच में से पास होते हैं। पहले ऐसे लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सीधा जाते हैं, और उसके बाद वो एक्सेलरेट करते हैं और सीधा पहाड़ी को क्रॉस करके वो एकदम स्पीड में उठ रहे हैं। पूरे टाइम वो अपने पैर को ऐसे ऐसे पलाठी मार के रखते हैं, ऐसे टाइम के साथ उनकी स्पीड फास्ट फास्ट होती जाती है एकदम स्पीड। डेविड ने फाइनली सक्सेसफुली ये आर्ट परफॉर्म किया और सामने की साइड क्रॉस किया, वो भी एक रिंग के अंदर से, ताकि पता चले कि कुछ नहीं तो जुड़ा हुआ। और ये पूरा वीडियो जब रिलीज हुआ, लोगों ने कहा कि भाई ये तो सीजीआई किया है, कुछ तो किया है। लेकिन बाद में लोगों को खुद ही समझ आ गया कि भाई उस वक्त इतने हैवी सीजीआई का यूज नहीं होता, लेकिन कोई इसका तरीका भी नहीं बता पाया आज तक कि वो किया कैसे गया। और इस तरह से बन गई वर्ल्ड की मोस्ट रिस्कीएस्ट मैजिक ट्रिक।